कमलेश ढांडा हमारे राज्य मंत्री हैं, माताजी का भी हमने भाषण सुना, भगत सिंह सुखदेव को भी उन्होंने पैरेलल लिया। वो प्रोग्राम आपने इसलिए किया जहां तक मुझे लगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही पंजाब में सरकार बनाई, सरकार बनाते ही पूरे ऑफिस के अंदर सिर्फ भगत सिंह की मूर्ति लगाने के आदेश दे दिए और किसी मंत्री एमएलए की फोटो नहीं। नहीं, मैंने आपको कहा आप तिरंगा यात्रा जिक्र कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में भाजपा को घुसने नहीं दे रहा था तो ये घुसने के। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो प्लानिंग भाजपा ने रची ऑन द स्पॉट ही क्यों रची है? 5 दिन पहले 10 दिन पहले तो केजरीवाल साहब ने बयान, युवाओं के प्रोग्राम चल रहे हैं, आपके शहीद बलिदान दिवस पे जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे महिलाओं के प्रोग्राम थे, ये किस पर्पज़ के लिए क्यों कर रहे हो? मतलब अभी जिला परिषद ये नगर परिषद के इलेक्शन है इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अब डंका बज। 37 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई जो कभी आज तक नहीं हुआ, उसका ऐसा कारण पंजाब हरियाणा वालों को पता है, उनने दिल्ली में कितना काम किया है, इसलिए हरियाणा वाले सच्चाई से वाकिफ है। पंजाब वाले भाई थोड़े से दूर थे तो उनको सच्चाई थोड़ी सी कम पता चल जाएगी। इस हिसाब से तो गुजरात वाले बहुत ज्यादा दूर, वहाँ पे तो बहुमत है। मगर इस बात का स्पष्टीकरण तो दीजिए, एक पत्रकार को, एक चैनल को आप 1-1 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स, आप तो फिर भी आज हरियाणा बहुत बड़ा नाम है, जो बिगनर्स हैं उनको इतने इतने लाखों का, वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं? मेरा चेक करवा ली सर, मैं पंजाब में ही था, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। पर आपकी उनसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल बहुत झूठा है। दिल्ली एक छोटा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पंजाब बहुत बड़ा है, वहाँ कृषि प्रधान देश है पंजाब। अब उन्हें पता चलेगा वो फ्री में कितना वहाँ पर पे लाइट देंगे, कितना पानी देंगे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम मैं सोनीपत नहीं गन्नौर में हूँ, चौखी रानी एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, और यहाँ पर हमारे साथ पूरी एक युवा टीम जो भाजपा की युवा टीम है। हमारे साथ राहुल जी हैं जो युवा अध्यक्ष हैं, और तुषार जी हैं, और मैंने हाँ योगी जी हैं, महामंत्री जी हैं, और सभी कुछ हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। हालांकि जो प्रोग्राम था वो महिलाओं को लेकर था यहाँ पे, फिर कुछ युवा साथी मुझे मिले तो मेरे जहन में एक प्रश्न आया और क्यों ना उसके पीछे पड़ा जाए। भाई साहब राम राम। राम राम जगदीप जी, सबसे पहले आपको पूरे हरियाणा युवा मोर्चा की तरफ से राम राम। आपका स्टेप अप चैनल है, हम आपके माध्यम से आप सभी को हमें दिखा रहे हैं, इन सभी दर्शकों को भी हमारी राम राम नमस्कार। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब, भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। बहन जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया। ओके, तो भाई आज का सवाल भाई साहब ये है कि 23 मार्च को आपने शहीद भगत सिंह का जो कार्यक्रम किया, काफ़ी भाषण हुआ, मैंने आपका भी भाषण सुना, और कमलेश ढांडा हमारे राज्य मंत्री हैं, माताजी का भी हमने भाषण सुना, काफ़ी जोश था उनके अंदर, और उनके भाषण में खास बात थी भगत सिंह सुखदेव को भी उन्होंने पैरेलल लिया, हालांकि हर जगह भगत सिंह जी के ऊपर ज़्यादा फोकस था। वो प्रोग्राम आपने इसलिए किया जहाँ तक मुझे लगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही पंजाब में सरकार बनाई, सरकार बनाते ही पूरे ऑफिस के अंदर सिर्फ भगत सिंह की मूर्ति लगाने के आदेश दे दिए और किसी मंत्री एमएलए की फ़ोटो ना लगे। कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि यार ये तो ये मुद्दा पकड़ गए, हम तो रह गए पीछे, इसीलिए आपने एकदम ऑन द स्पॉट इस प्रोग्राम को पकड़ा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है जी, हमारे लिए नेशन पार्टी क्यों को नहीं, आपको बता देते हैं फर्क, हम आपको बता देते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और यह वर्ष 75वां वर्ष हम आजादी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं पूरे हरियाणा में। अभी आप 23 मार्च से पहले चलिए तिरंगा यात्रा, और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, वो हमने 6800 पंचायतों में वो कार्यक्रम किया, प्रत्येक और पूरे हरियाणा ने बोला जय हिंद, तब केजरीवाल का कोई कुछ नहीं था। उसके बाद किसान मोर्चे को माननीय अध्यक्ष जी ने चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस का कार्यक्रम दिया, 90 की 90 विधानसभा में वह कार्यक्रम हुआ। अब ये 23 मार्च शहीदी दिवस, इसके लिए हम 2 दिन की नमन यात्रा भी गए करने, हुसैनीवाला गए, बागा बॉर्डर गए। इससे पहले कभी नहीं गए थे आप सर?
जी, जब ये प्रोग्राम हुआ तब आपने सोचा हाँ ये करना चाहिए हमें? नहीं नहीं, मैंने आपको कहा आप तिरंगा यात्रा जिक्र कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में भाजपा कोई घुसने नहीं दे रहा था तो ये घुसने का एक बहाना ढूंढ लिया। देखिए वो तो जो विपक्ष होगा वो तो हमेशा से बोलेगा ही। जी जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं आप ही से पूछता हूँ, जब हम छोटे छोटे थे अपनी बैठकों में जाते थे तो आप भी देखते थे नेताजी का चित्र आम ज़्यादातर बैठकों में मिलता था, लेकिन आज वो चित्र नहीं रहा। जब हम उस चित्र को देखते थे अपने दादा दादी या माँ बाप से पूछते थे चित्र किसका, इन्होंने क्या किया, तो उनके बलिदान के बारे में वो बताते थे भी नेताजी सुभाष चंद्र ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आज वो चित्र गायब हो चुका है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ही चाहते हैं कि युवाओं में प्रत्येक, आपके अंदर भी देशभक्ति है, मेरे अंदर भी देशभक्ति है, इनके अंदर भी, लेकिन वो देशभक्ति जागे क्योंकि आज वो चित्र नहीं है। उसके माध्यम से हम पहले ही जा रहे हैं। और मैं आपसे एक प्रश्न, मेरा भी यह प्रश्न है, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भगत सिंह का वो किया, हम मिट्टी लेकर आए हुसैनीवाला और जलियावाला बाग से, उसके बाद राजगुरु पुणे से खेड़ गांव से थे, खेड़ गांव से भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और युवाओं की टोली गई वहां से मिट्टी लेकर आए राजगुरु के गांव से। आज़ादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, बोलते तो हैं लेकिन शहीदी की वो मिला नहीं है सर। नहीं, बोलते तो हैं, आप जाकर देखिए, हम लुधियाना में गए, सुखदेव जी इनके संगठन मंत्री के रूप में काम करते थे। हम वही कहते हैं कि जब देश के लिए सब शहीद, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए, और हम अपने घर में चित्र लगे तो हमारे घर तीनों का लगा होगा। और पंजाब में केवल भगत सिंह का ही चित्र क्यों लगाया, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, केवल भगत सिंह का, राजगुरु, सुखदेव, जबकि तीनों को फांसी एक साथ हुई थी, उनको, उनका चित्र उनके साथ क्यों नहीं लगा? तो आपके पास में आ रहा हूँ तुषार जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो प्लानिंग भाजपा ने रची ऑन द स्पॉट ही क्यों रची है? 5 दिन पहले 10 दिन पहले तो केजरीवाल साहब ने बयान दे दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ, देखिए माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात में सारी बात वैसे कह दी जी। ये 23 तारीख का कार्यक्रम नहीं, उससे पहले तिरंगा यात्रा 15 अगस्त से पहले थी, तब केजरीवाल का कोई विषय नहीं था। हमने हर विधानसभा में 90 की 90 में पैदल निकले, कोई पार्टी का झंडा नहीं, लोग 3-3 किलोमीटर तक भारत माता की जयकारों के साथ हमने शहीद सम्मान यात्रा, नमन यात्रा निकाली। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम था, जैसा भाई साहब ने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई, हर पंचायत में, हर वार्ड में मनाई। उसके बाद लाला लाजपत राय जी की हमने जयंती मनाई, उसके बाद हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस मनाया, अब हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। कोई भी शहीद का कार्यक्रम हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब ही तो ये है कि 75वें साल में जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना जान दे दी उनको हम याद करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा पंजाब गया, उनके नेतृत्व में हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाया, नेतृत्व में आगे जो कार्यक्रम हमको, हमारे जिम्मे लगेंगे, और शहीद को याद करने की जिम्मे हमारे युवा मोर्चा को मिली, इसलिए मिली है क्योंकि युवाओं को पता होना चाहिए शहीदों ने हमारे लिए किया क्या है। हुसैनीवाला का नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, उनके विधायकों से जाके पूछ लो जिनका आप नाम ले रहे हैं, हुसैनीवाला का यूँ नहीं पता वहाँ किस किस का स्मारक है। हमें बहुत से युवा साथी थे नहीं पता, हम पता करके आए हैं। फोटो लगाने से नहीं, उनके विचारों को अपनाने से काम चलेगा, और उन विचारों को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कर रहा है। कितना पॉजिटिव रहा आपका ये कार्यक्रम? देखिए 307 मंडल हमारी पार्टी की योजना है, लेकिन 326 कार्यक्रम हुए, प्रत्येक युवाओं में जोश था क्योंकि जाओ वहां से मिट्टी लेकर आए। इस कार्यक्रम कागजों में हो गया, कागजों 307 का था, 326 हुए, तो 300 कई जगह पे, जैसे 8 मंडल थे, अच्छा, वहाँ पे पानीपत में 16 मंडल थे, 24 कार्यक्रम हुए, 2 मोटरसाइकिल यात्रा निकली और 1 ट्रैक्टर यात्रा निकली। ओके, ऐसे कई में झज्जर में 13 मंडल थे, 17 कार्यक्रम हुए, और पंचकुला में 8 मंडल थे, 10 कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम ज़्यादा हुए। क्या रिस्पॉन्स लग रहा है आम जनता का? नहीं, युवाओं में जोश, और युवा हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। युवाओं के प्रोग्राम चल रहे हैं, आपके शहीद बलिदान दिवस पे जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, आज जैसे महिलाओं के प्रोग्राम थे, ये किस पर्पज के लिए क्यों कर रहे हो? मतलब अभी जिला परिषद, ये नगर परिषद के इलेक्शन है, इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अब डंका बज रहा है, इसलिए डर कहीं लग रहा है आपको? अरे जगदीप जी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये आम आदमी तो आपने अब चुनाव एक स्टेट में जीत गई, 37 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई जो कभी आज तक नहीं हुआ, उसका ऐसा कारण पंजाब में क्यों नहीं हुआ? पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब के लोगों को मर्सिडीज में घूमने वाले, तुषार जी, मर्सिडीज में घूमने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले टेलीफोन रिपेयर मैकेनिकों ने हरा दिए। राहुल जी,
देखिए डर है कहीं हरियाणा के अंदर? नहीं नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हमारे हरियाणा में तो हम इनको घुसने नहीं देंगे, ठीक है। गुंडागर्दी सर? नहीं, गुंडागर्दी विचारधारा के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि विचारधारा के माध्यम से हम घुसने नहीं देंगे। विचारधारा में कहाँ कमी है? हमें तो कमी कमी पंजाब में आम आदमी पार्टी इतना बहुमत जो ले रही है पंजाब में ले रही है भैया, ऐसे तो दिल्ली में लेगी। हम कहे हरियाणा में भी वो चुनाव लड़े, नहीं हरियाणा में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा के लोगों को जो चाहिए वो भाजपा उनका पूरा कर रहे हैं प्रयास। जो क्या लग रहा है तुषार जी आपको? मतलब भी नहीं भाई साहब, एक बात देखिए, आप उनको कह रहे हैं मोबाइल रिपेयर, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, उससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? एक आम परिवार का व्यक्ति आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? प्रदेश अध्यक्ष है भाई, क्योंकि हरियाणा वालों को पता है उनने दिल्ली में कितना काम किया है, इसलिए हरियाणा वाले सच्चाई से वाकिफ है। पंजाब वाले भाई थोड़े से दूर थे तो उनको सच्चाई थोड़ी सी कम पता पता चल जाएगी। इस हिसाब से तो गुजरात वाले बहुत ज्यादा दूर, वहां पे तो बहुमत आ जाना चाहिए। नहीं, गुजरात वालों को तो उनके पास तो हीरा रहा है और उन्हें चुन के यहाँ भेजा है, जो आज पूरे हमारे दिल्ली में हमारे जो मोदी साहब की सरकार है, इस हिसाब से पश्चिम बंगाल में जीत जाने चाहिए थे। पश्चिम बंगाल में हमने बहुत अच्छा किया और हम बहुत आगे बढ़े, हम कहां। इसी तरीके से तो कांग्रेस भी हार का कहती है, हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। सर जी, क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल का कितना खौफ है? केजरीवाल आप मैं कांग्रेस का तो नहीं कहूंगा, केजरीवाल का। केजरीवाल 2019 में भी चुनाव लड़ा था, जमान जब्त हुई थी, हरियाणा वालों ने उनकी जमान जब्त करके भेजा था। सर इस टाइम तो आप भी हाई वोल्टेज उस ड्रामे से बच के आए हैं, दुष्यंत जी को नहीं कहेंगे। देखो आप ये देखिए कि भी हम चार स्टेटों में बड़े स्पष्ट बहुमत से जीत कर आए हैं, जहां आज तक इतिहास दोहराया नहीं गया वहां पर जाकर हमने इतिहास को नया इतिहास रचने का काम किया है जी। तो आपके सामने चार स्टेटों की बात कीजिए ना, एक स्टेट जहां पर हम एक ऐसी पार्टी के साथ बड़े लंबे समय से अपनी दोस्ती निभाते हुए चल रहे थे, आज संगठन हमारा पहली बार चुनाव लड़े हैं वहां से हम, कोई बात नहीं, अगली बार देख लीजिए 2023 के अंदर मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की वहां और इससे भी ज़्यादा सीटें लेकर वहाँ सरकार बनाने जा रही है पंजाब के अंदर। कैसे लगता है कि आपसे बात करूँगा सर मैं, कैसे लगता है कि जो केजरीवाल जी जीते, ना तो उनका कुछ ज़्यादा सा हमने प्रोपोगंडा कुछ देखा, सिर्फ फ्री 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 में वो जीत गए, आप भी तो फ्री कर सकते थे, या आपको क्या लगता है कहाँ कमी लगी? देखिए केजरीवाल साहब स्वाभिमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, फ्री की राजनीति थोड़ी ना करता है। हमें कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है क्या? हम हार्ड वर्क मेहनत करने वाले लोगों को आगे, जो मेहनत करके आगे सुना है 2 करोड़ लोगों का राशन भी तो आपने मुफ्त देने की बात की। 2 करोड़ लोगों का राशन की आप बात करते हैं, पंजाब के अंदर उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट पे पैसे कितने लगाए हैं, उसके वो पैसे कहाँ से आए? उस बात का जवाब नहीं केजरीवाल। आम आदमी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम आम आदमी की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं विधायकों को एक बार पेंशन देंगे, बहुत अच्छी बात है, मगर इस बात का स्पष्टीकरण तो दीजिए। एक पत्रकार को, एक चैनल को आप 1-1 करोड़ रुपये वो दे रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स, आप तो फिर भी आज हरियाणा बहुत बड़ा नाम है, जो बिगनर्स हैं उनको इतने इतने लाखों का, वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं? मेरा चेक करवाली सिर्फ मैं पंजाब में ही था, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। पर आपकी उनसे सच कह रहा हूँ, आपकी चर्चा नहीं हुई योगी जी उनसे, क्या पता नहीं उनके पास पता लगे, मगर एक लिस्ट आई थी, आपको मैं सर्कुलेट करूंगा पूरे हरियाणा में पूरे। मेरा नाम तो नहीं है ना लिस्ट में? नहीं, हमने जानते जी, वो हम चेक कर लेंगे। एक भगवंत मान की चिंता वाली बात हो सकती है, भगवंत मान की बात ध्यान आ रही है कि भी चुनाव से पहले उसका एक इंटरव्यू देखा मैंने जी, तो वो कह रहा था कि भी कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं और बाद में कह देते हैं हमारे तो खजाना खाली है, उसे खजाना क्यों कहते हैं, पीपा है वो तो। और अब वही व्यक्ति सरकार बनने के बाद बड़े वादे करके सरकार तो बना ली उन्होंने, और आते ही उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के सीधा कह दिया खजाना खाली है, और अपनी कटोरा लेके वो दिल्ली की तरफ अपना रुख कर लिया उन लोगों ने, और यहाँ आके बड़ी बड़ी घोषणा तो कर दी उन्होंने, लेकिन एक व्यक्ति के पास अगर जेब के अंदर 10 रुपये है वो 1000 रुपये खर्च करने की बात करता है तो वो संभव नहीं है ना। वो तो ऐसी बातें कर रही हैं, लोगों के सामने स्पष्ट होंगी। आपका जो उनसे पूछिएगा ना कि भी वो आप खजाना मंत्री अपने पास बनाया है, वो पीपा मंत्री है या खजाना मंत्री है? आपकी जो बातें लग रही है ना उससे ये लग रहा है जैसे आम जनता खुश है, वहाँ पर चिड़ वो लोग रहे हैं जिनकी भगवंत मान साहब ने जिनकी पेंशन 1-1 कर दी, जो 10-10-12 एमएलए बने थे उनके 1-1, ऐसा लग रहा है कि भी इस तरीके से नहीं, देखो जो अच्छी चीजें हैं उसका स्वागत करते हैं, मतलब हम का स्वागत कर रहे हैं, हमारी भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, आप भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर ऐसा ही हो, बहुत सारी चीजें। 2019 में जब हम सत्ता में दोबारा वापस आने वाले थे, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला लिया था संसद के लिए जी। क्या बता सकते हैं वो क्या था? वो इससे बहुत अच्छा था जी। कि संसद की कैंटीन की सब्सिडी बंद कर दी। क्या आपने कभी क्वेश्चन पूछा कि इतना अच्छा काम किया
आज से जब 2014 से पहले हम सत्ता में नहीं थे, लोग बात करते थे इस देश को चाइना से आगे लेके जाओ। प्रधानमंत्री जी चार चार बार हमारी जीडीपी को चाइना से आगे ले करके गए, आज कोई क्यों नहीं कहता कि हमें चाइना अमेरिका से लेके जाओ। 2014 से पहले मूवीज में देखते थे, हम रियल लाइफ में देखते थे कि अमेरिका से लोगों को सिर्फ एकलौता देश था जहां युद्ध हो रहा हो या कोई और माओ किसी को किडनैप कर लियो किसी देश दूसरे देश में, तो कौन बचा सकता था? अमेरिका। लेकिन रियल लाइफ इस प्रश्न पे मैं आता ना, आप विदेश में भारत माता की जय पे 370 पे अयोध्या पे चले जाए। सर नहीं नहीं ऐसा नहीं सर सर नहीं 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 सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भी एक साफ सुथरी राजनीति आप पार्टी कर रही है। सिर्फ जिस तरह मान्य अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि भी तीन लोगों ने बलिदान दिया, उनके साथ बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बलिदान इस देश के लिए दिया, लेकिन इतनी बड़ी राजनीति जो प्योर आज के टाइम में पंजाब का हिस्सा लुधियाना है, वहाँ के बेटे को इग्नोर करना वो कहाँ का इंसाफ है? अगर चित्र लगाने थे तीनों लोगों के चित्र लगाते, अगर वो पंजाब पंजाब की बात करते हैं तो सुखदेव जी का चित्र जरूर होना चाहिए था। ये तो मैं आपकी बात से एग्री हो गया, आपका ये आपका था, मैं एग्री हो गया। तो ऐसी पक्षपात की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक वो एक उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वहाँ से एक नारा उन्होंने उठाकर लेकर आए कम्युनिस्ट का इनकलाब जिंदाबाद, तो उस नारे की वजह से वो नारा बुलंद करने के लिए सिर्फ उसका एक कंधा को इस्तेमाल करने का, वो भगत सिंह का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, भगत सिंह को सम्मान देने वाले। दो चार दिन पहले एक कुमार विश्वास जी का एक बयान आया कि वो खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने बयान दिया, काफ़ी अच्छा बयान हो सकता था, लेकिन भाजपा ने इस बयान का कुछ फ़ायदा उठाया नहीं, कहीं सेटिंग थी क्या? नहीं, सेटिंग नहीं कहेंगे इसको जी। अभी हम अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखते हैं कि भी हमारा संगठन कितना मजबूत है, उस चीज़ पर विश्वास रखते हैं कि भी हमारा संगठन का व्यक्ति वो झूठ बोलकर गुमराह करके व्यक्तियों को अपने साथ नहीं जोड़ता, वो सच बोल के अपने व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ता है, और सच की झूठ के पैर नहीं होते, सच आज नहीं तो कल सामने आ जाता है, तो ये सामने आ जाएगा। दिल्ली में दो बार सरकार बना चुके, पंजाब में सब कुछ ध्वस्त कर दिया, कब सच आएगा? में भाई सब जमाना जब्त हुई है, नोटा की वोट ज्यादा यूपी में है, उत्तराखंड में कहते हैं सरकार बनाओगे, एक सीट नहीं आई। जहां बात पंजाब में भाजपा खुद भी है, दिख ही नहीं रही। नहीं, मैं एक बात इसकी बात करता हूं, 2009 में यही बात 2009 में यही बात हरियाणा के अंदर कही जाती थी, 14 में बनाई 19 में बनाई। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर पंजाब में चुनाव लड़ी, पहले वो एक छोटे दल के रूप में वहां चुनाव लड़ती थी जैसे हरियाणा में होता है। अब चलो 2022 की बात कही आपने, 5 साल बाद 27 आएगा, 24 आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ, 4 राज्यों में जीत हुई उस बात का जिक्र नहीं, मगर पंजाब के विषय को इतना बड़ा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि, क्योंकि अब थोड़े दिन पहले ममता फेस बड़ा दिया, अब केजरीवाल को फेस बड़ा बना दिया। बड़ा इसलिए बना रहा हूँ, कांग्रेस का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा ना, मैं कांग्रेस तो है ही नहीं, लेकिन जो आपके सामने आ रहा है वो केजरीवाल है, जो कांग्रेस से खतरनाक पार्टी आ रही, जो आपका असली कंपटीटर है वो केजरीवाल साहब, और ये कहीं ना कहीं लोगों में भाजपा में कहीं डर दिख रहा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। भाई साहब 6 महीने पहले ममता का नाम ले रहे थे, अब केजरीवाल का ले दिया, माँ के नेम मना कर नाम नहीं लिया, परसों चौथे कोई और खड़ा होगा। मगर आपको एक बात बता दूं, कंपटीशन मोदी जी का नाम लेके दूसरे के साथ किया जाता है, 100% नरेंद्र मोदी, पूरी दुनिया इस बात को कहती है, दुनिया का सबसे मशहूर और मजबूत, हरियाणा में भी आप देख लीजिए, अभी जो 54 नगर परिषद है इनमें क्या रहेगा, पब्लिक बता देगी, चुनाव होगा देख लेना आप क्या होगा उसमें, 54 उनके पास अब तक आदमी भी नहीं है, आप छोड़ो इस बात को, तो बूथ पे लेके कोई बस्ता तो बैठेगा, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, बूथ का एजेंट तो चुनाव लड़ता है, उनकी इकाई बता दो, कोई नहीं बता दो, तुम जिला अध्यक्ष छोड़ो, प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कोई है इकाई? 2014 से पहले 13 में यूं कहने लगे थे भाजपा वहां पे भी कौन प्रधानमंत्री कुकर बनेगा, आप क्या कह रहे हैं? अभी आप यही कह रहे हो कि इनका बस्ता उठाने वाले ने ये सारा सौदा ले जाएंगे, फिर आपने देख दे रहे नहीं, हम यहीं बैठे हैं, बस्ता लेके कहां जाओगे, हम हरियाणा के लोग हैं, लोगों को जगाने का काम करेंगे, इसीलिए तो युवा मोर्चा बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, प्रदेश महामंत्री बैठे हैं, प्रदेश मंत्री बैठे हैं जी। कितना लास्ट डर तो है ही नहीं, डर तो नाम की चीज शब्द को उसमें हमारे युवा मोर्चा के में तो खासकर है ही नहीं है, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, और डर तो किसे कहते हैं हमें पता ही नहीं है, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने मैं तो आप डरा करूं भाजपा था, इतनी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी, जगदीप जी अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी खत्म कर दिया, तो आप दिल्ली का कुछ भी नहीं, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा जी, केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ा ना, कहां गए उनकी जमान जब्त हुई, दिल्ली में एक सीट पे भी नहीं आए, वो दो सरकारों के अंदर लगातार दो बार, आपके कथन के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और विचार को लेकर के चलती है, दीनदयाल यही बात राहुल गांधी जी कहते कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, एक सिर्फ सोच है, नहीं भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के अंत्योदय की विचारधारा, जो विकास की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसको
अग्रिम पंक्ति पर अग्रिम स्थान पर ला करके लेके साथ चलने का काम करती है और उसी विचारधारा के अनुरूप पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रहा। वाह वाह सर। कांग्रेस जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि वो एक सोच की पार्टी, वो उनकी सोच की पार्टी है, सिर्फ राहुल गांधी की सोच की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के 100 करोड़ लोगों की और जो इसकी नींव रखने वाले लोग हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे उन लोगों की पार्टी है, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है भाई। ओके क्योंकि केजरीवाल साहब का एक बयान और आया था कि टाइम पे इलेक्शन करा लो, अगर आप जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल जी का भी तो हो सकता है। जगदीप जी, केजरीवाल के इस बयान से मैं कोई किसी प्रकार की बात नहीं रखता, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है। देखो जो अपने बच्चों को दाव पे लगा दे उस व्यक्ति की क्या बात मानेंगे सर? ये बातें ना करो सर, ये बातें ना करो। दिल्ली की जनता का अपमान सर, दिल्ली की जनता का अपमान ना करो, पंजाब की जनता का अपमान ना करो। उन्होंने सराखों में बिठाया उनको, ये सब कहने की बात है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। जगदीप जी को मैं, जगदीप जी आप किसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल बहुत झूठा है। दिल्ली एक छोटा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पंजाब बहुत बड़ा है, वहाँ कृषि प्रधान देश है पंजाब। अब उन्हें पता चलेगा वो फ्री में कितना वहाँ पर पे लाइट देंगे, कितना पानी देंगे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होना है, अभी वो कटोरा लेके खड़े हो गए हैं जैसे कि अध्यक्ष जी बता रहे थे। अधिकार है सर लेना, उनका अधिकार, 50,000 उससे पहले नहीं दिख रहा कटोरा लेने की बात ना, उनका अधिकार। उन्होंने कहा अध्ययन करके वो लेकर आए थे निचोड़ कि भी हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, वहां से रेते में से इतने करोड़ निकाल लेंगे, उस फलाने व्यक्ति की जो बदली के नाम के जो पैसे दिया करता वहाँ से इतने पैसे निकाल लेंगे, इससे हम 1,000-1,000 रुपये सारी लेडीज़ को देंगे, सारी कन्याओं को देंगे, और इस ढंग से हम बिजली सस्ती कर देंगे। वो सारा फार्मूला उनका फेल होता नज़र आ रहा है। अब अपने फार्मूला से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने उस जो खजाना को पीपा घोषित कर दिया। मेरा तो यही कहना है, मैं ये कह रहा हूँ जगदीप जी, जैसा मेरी बहन बैठे हैं उन्होंने बताया, केवल उन्होंने जुमले छोड़ने हैं। आप नज़दीक हो, मेरे भी दिल्ली रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये स्कूल बना दिए, वो स्कूल बना दिए, अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा साइट उन्होंने खरीदी। आप सारा दिन घूमते आप नहीं, हम ऐसा काम करते नहीं, हम 15,000 रुपये एक थोड़ी ना, उन्हें लोगों के लाखों रुपये उसमें करोड़ों रुपये बर्बाद। दिल्ली में चले जाइए, जितनी वो ऐड पे पैसे लगाते हैं आप वास्तविकता देखिए ना, बैठने वाले बैग पे आपने स्कूल 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 में जाके देखिए आप वास्तविकता, क्या वो स्कूल एक मॉडल स्कूल बना के, अरे भैया दिल्ली का हर स्कूल बनाइए ना आप, देखिए स्कूलों का क्या हाल है। बहन जी ने बताया, आप जब जाकर देखोगे कि दूर के लोगों को लगता है भी एक स्कूल मॉडल बनाने से सारा बना दिया, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान एक साथ लेकर चलती है, सबका विकास एक साथ करती है, यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अंतिम क्या कहना चाहेंगे सर? साफ स्पष्ट जगदीप जी, हरियाणा के अंदर सरकार है 40 प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर दूसरी बार सरकार बनी है। 2022 के जो इस बार विधानसभा के 4-5 राज्यों के चुनाव थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया, 2024 में बिल्कुल प्योर मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद जब हरियाणा की बारी आएगी तो हरियाणा भी बता देगा कि कितना कौन कितने पानी में है। 100% भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल और बुलंद होगा, जिस तरह का इलाहाबाद और बड़ौदा में बता दिया, वहाँ बता दिया, पब्लिक ने वोट बढ़ा के दिए। अगर विपक्ष इकट्ठा हो गया, इतना डर गया, इतना बौखला गए कि वहाँ तीसरी पार्टी नहीं बचती, सारा एक जुट हो गया, भले कैसे बीजेपी को रोको, रोकेंगे कैसे, वहाँ भी वोट बढ़ी 12-14 हज़ार, यहाँ भी 12-14-15 हज़ार वोट बढ़ाने का काम किया, और जो जीते हैं उनको पता है कि पसीने निकल गए उनके। लोग कहते हैं भाई बीजेपी अगर आज ऐसे हालात के अंदर जब किसानों का नाम लेके राजनीति करके वोट मांगने तक रोका जा रहा है तब ये इतनी वोट बढ़ा के ले गए, जब चुनाव आओगे तो इनको पता लग जाएगा। लोग जागरूक हैं, युवा जागरूक है, जनता जागरूक है, महिलाएं जागरूक हैं, ये हर एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था खड़ा है, और दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी बनेंगे, हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी। बहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हरियाणा के लोग जागरूक हैं और हमेशा से जागरूक रहे हैं, और हरियाणा के लोगों को वास्तविकता का पता है, वो पहचान सकते हैं कि कौन आदमी सही है, कौन हरियाणा के हित में है, कौन हरियाणा के हित में काम करेगा, इसलिए वो पुनः भाजपा को चुनेंगे, और जिस तरीके की आप बात पूछ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ओके तो भाई यह वीडियो फिलहाल इतनी है, और बाकी भाजपा के पास है तो नारे भी हैं बहुत अच्छे हैं, 370 भी है और सब कुछ है, वैसे तो काम पॉजिटिव है, लेकिन डर जो केजरीवाल साहब का ये जरूर है, तो कोई डर नहीं है। तेरी सोच पर पैरा देंगे ठोकर, सुखदेव तेरी सोच पर पैरा देंगे ठोकर, राजगुरु तेरी सोच पर पैरा देंगे ठोकर। वाह अब देखें कौन किसने ठोके। और बलिदान युवा मोर्चा की पहचान, शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में, शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में।
हरियाणा के लोग पूरे चौकस हैं और हम अपने हरियाणा को बचा के रखेंगे और पूरे हरियाणा की जनता हरियाणा को बचा के रखेगी किसी गफलतबाजी के चक्कर में। हरियाणा की बीजेपी युवक सारे चौकस हैं भाई, अब आप अपनी सोच ध्यान रखना, अब इलेक्शन होगा तब तक देखते हैं और कुछ ना कुछ 15 तक यहाँ पे टास्क दिया भी गया, शायद 15 के बाद ऐलान कर दें इलेक्शन कब होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की। ये तो